दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार बताने वाले हैं कि अगर आप समय पर भोजन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। दोस्तों हम भोजन के रूप में जो भी लेते हैं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, दही, लस्सी, दूध इत्यादि, ये सब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है हमारे पेट का एक छोटा सा हिस्सा आमाशय, और ये हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम जो भी भोजन करते हैं वो सीधा एक बार आमाशय में आता है। दोस्तों इस आमाशय में एक अग्नि उत्पन्न होती है जिसे जठरांगनि भी कहते हैं, और ये अग्नि आप जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत प्रदीप्त हो जाती है, यानी ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक आपके द्वारा खाना जो खाया गया है वो पच नहीं जाता है। आहार को पचाने में पाचक अग्नि यानी कि जठरांगिनी का प्रमुख स्थान होता है। लेकिन दोस्तों जब हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो ये अग्नि मंद या धीमी हो जाती है और हमारे पाचन क्षमता में कमी आ जाती है। इसे मृदांगिनी कहते हैं और उस दौरान हमें भूख लगना कम हो जाता है। इसके कारण हमारे पेट में तरह तरह के विकार जन्म लेते हैं और इसके कारण हम भोजन नहीं खा पाते हैं, जिसके दौरान धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे द्वारा खाया हुआ आहार ठीक से पचता नहीं है, वो शरीर में सड़ता जाता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में पाचन अग्नि धीमी हो जाती है तब हमारे पेट में कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मुंह का बेस्वाद, सांस से दुर्गंध आती है, पेट या छाती में जलन होती है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है। इसके कारण हमारे शरीर में पेट दर्द और कब्ज की समस्या भी उत्पन्न होती है। उसी के दौरान बवासीर की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगर आपके शरीर में पाचन अग्नि धीमी होती है तो पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, पेट में इससे दर्द उत्पन्न होता है, साथ ही ये 100 से ज्यादा बीमारियां उत्पन्न करती है। तो दोस्तों अगर हम समय पर भोजन करते हैं तो इतनी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। आयुर्वेद में कई बार बताया गया है कि भोजन हमेशा समय पर करें। दोस्तों इस पाचन अग्नि को आप बढ़ाने के लिए, अगर आपकी कमजोर है, भूख नहीं लगती है, तो बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अनुसार आप मठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाने के बाद मठे का सेवन करते हैं तो पाचन अग्नि तेज होती है। उसी के साथ अगर आप मठे का सेवन नहीं कर सकते हैं तो आप नींबू का भी सेवन कर सकते हैं। आप नींबू को 2 टुकड़ों में काट कर एक फांके पर आप काला नमक लगा दें और दूसरे पर काली मिर्च का चूर्ण भरकर आग पर गर्म करके अगर आप इसे चूसते हैं तो भी आपकी पाचन अग्नि तेज होती है। तो दोस्तों ये था, अगर आप समय पर भोजन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।